तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भविष्य के कुछ बेहद मजेदार आविष्कारों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। वोल्फपैक द ऑर्बिटल बैकपैक। यहाँ यह शख्स अपने बैकपैक में लगे एक बटन को दबाता है, जिसे वह आगे खींचकर अपना सामान निकाल लेता है। इस प्रकार के बैकपैक को खास तौर पर इसीलिए ही बनाया गया है ताकि आपको हर बार सामान निकालने के लिए अपने बैग को पीठ से उतारना ना पड़े। यही नहीं, भीड़ भाड़ वाली जगहों में आप इसे तुरंत ही छाती की तरफ भी टांग सकते हैं और वह भी तनियों को पीठ से उतारे बिना। ऑटोमेटिक हैंड वॉशर। हाथ धोने का यह आविष्कार वाकई में काफी लाभदायक है। इसके अंदर मुलायम ब्रश लगे होते हैं। जैसे ही आप अपने हाथ इसके अंदर डालते हैं तो यह आपके हाथों को पानी और साबुन के माध्यम से रगड़ रगड़ कर धो देते हैं, जो वाकई में हाथों को अच्छे से साफ करता है, वह भी बिना परिश्रम के। सोलर लाइटर। कैंपिंग के शौकीन लोगों के लिए यह खास आविष्कार काफी लाभदायक हो सकता है। यह एक प्रकार का सूरज की रोशनी के द्वारा लेंस के माध्यम से आग जलाने वाला लाइटर है, जिसके अंदर सूखी लकड़ी या फिर और जल्दी आग लगने वाली वस्तु रखकर आप केवल कुछ ही मिनट्स में उसमें अंगारे ला सकते हैं। बैकपैक अम्ब्रेला। बैग के साथ फिक्स यह छाता गर्मी के मौसम में आपके काफी काम आ सकता है। यह छाता इस बैग के अंदर फिक्स होता है, जिसे इस्तेमाल करने के लिए आपको बस इसे बाहर निकालना होता है, जिसके बाद यह आपके सिर और कुछ हद तक कंधों पर सूरज की तपिश को आने से रोकता है। जब तक आप इस बैग को पीठ पर टांगे रखते हैं, यह छाता आपके लिए आवरण का काम करता रहता है। इस छाते को पहनकर आप साइकिल इत्यादि भी चला सकते हैं। इन्फ्लेटेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर पोइमो। पहली नजर में इस कमाल के आविष्कार को देखकर आप भी हैरान जरूर हो जाएंगे। यहाँ यह महिला इस फोल्ड हुए छोटे उपकरण में हवा भरती है, जो तुरंत ही देखते ही देखते एक छोटे स्कूटर का रूप ले लेता है, जिसके बाद आप इस स्कूटर पर बैठकर अधिकतम 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में इधर उधर जा सकते हैं। यह बैटरी से चलता है, जिसके चलते इसकी बैटरी खत्म होते ही इसे आप तुरंत रिचार्ज कर पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। सरफ्लेक्स। ऑस्ट्रेलिया में बना यह अद्भुत आविष्कार आपको भी हैरत में जरूर डाल सकता है। यहाँ लोग सर्फिंग करने के बहुत शौकीन होते हैं और समुन्द्र में हमेशा लहरें बनती रहें ऐसा संभव नहीं होता, तो उसके चलते इस कृत्रिम झील में लगा यह उपकरण बड़ी बड़ी लहरें बनाने में काफी माहिर होता है और उन लहरों पर लोगों को सर्फिंग करने में बड़ा ही आनंद आता है। इस मशीन के द्वारा छोटी एवं ऊंची हर प्रकार की लहरें पैदा की जा सकती हैं, जो नौसिखिए और अनुभवी सर्फर दोनों को मदद करती हैं सर्फिंग में और अधिक निपुणता हासिल करने में। पार्किंग वैले पार्किंग रोबोट। यह कमाल का रोबोट एक प्रकार का वैले पार्किंग की सुविधा देता है, जहां इसका चालक इसे गाड़ी के नीचे पहुंचा देता है, जिसके बाद यह रोबोट गाड़ी को बड़ी ही सावधानी से उसके टायर से उसे उठाकर अपने ऊपर रख लेता है और यह रोबोट खुद ब खुद पार्किंग की जगह का आंकलन लगाकर गाड़ी को सुरक्षित वहां खड़ा भी कर देता है, जिसके चलते आपको चाबी भी नहीं देनी पड़ती और आपकी गाड़ी सही जगह पर पार्क भी कर दी जाती है। एस्ट्रेक्स स्नो बाइक। बर्फ में साइकिल चलाने की कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन किसी साइकिल की ही भांति दिखता यह आविष्कार कम रफ्तार में ही सही, लेकिन साइकिल की ही तरह चलकर आपकी एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। इसके आगे स्कीइंग करने वाली फट्टी लगी होती है, तो वहीं पीछे एक बेल्ट नुमा टायर जो इसे बर्फ में संतुलन बनाने में मदद करता है और जिससे यह साइकिल फिसलती नहीं है और पैडल मारने पर यह चलने लगती है। रोबोटिक थर्ड थंब। हालांकि हमारे हाथ में जितनी उंगलियां हैं वह पर्याप्त हैं, लेकिन इंसान चाहे तो वह कुछ भी कर सकता है। यहाँ कुछ इंजीनियर्स द्वारा एक कृत्रिम रोबोटिक अंगूठे का आविष्कार किया गया है, जिसे आप हाथ पर पहनकर अपने अंगूठे की ही भांति इस्तेमाल कर दिनचर्या के लगभग सभी कामों को अंजाम दे सकते हैं। इससे काम करवाने के लिए आपको इसके साथ लगी तार, जो कि आपके पैर के अंगूठे तक जाती है, को दबाना होता है, तो यह अंगूठा सक्रिय हो उठता है और किसी भी वस्तु के साथ पकड़ बना लेता है।
रोबोमार्ट। आज के समय में लोग हर सामान ऑनलाइन मंगा सकते हैं, जो उनके लिए काफी सहूलियत भरा भी होता है। लेकिन फल सब्जियां इत्यादि ज्यादातर समय ऑनलाइन मंगाने पर उनकी गुणवत्ता के साथ समझौता करना पड़ता है। तो उसके चलते यह रोबोटिक वैन, जो कि एक प्रकार की सब्जियों को लोगों तक पहुंचाने वाला एक वाहन है, जिसे आप फोन से अपने पास बुला सकते हैं और सब्जियां फल इत्यादि को स्वयं जांच कर खरीद सकते हैं, और जो काफी सहूलियत भरा भी बन जाता है। माइक्रो हॉवरक्राफ्ट। यह अजीबोगरीब सा दिखता उपकरण एक प्रकार का वाहन है, जो शक्तिशाली मोटर के द्वारा उत्पन्न हवा के वेग से इसे जमीन से ऊपर उठाता है, साथ ही साथ इसे आगे जाने के लिए गति भी प्रदान करता है। इस वाहन में चार कोनों पर लगी यह थैली की भांति दिखने वाले भाग हवा से फूलकर इसे ऊपर उठा देते हैं, और हवा के इसके अंदर रहने एवं इसे जमीन से हल्का घर्षण कर स्थिरता प्रदान करने में मदद करते हैं। इस उपकरण को भविष्य में कुछ इसी प्रकार के तेज गति वाले एवं आम लोगों के लिए उपयोगी बनाने हेतु निरंतर काम भी चल रहा है। ट्रेलर कैडी। यहाँ यह शख्स इस विशाल ट्रॉली को मानो किसी खिलौने की भांति इधर से उधर खींच रहा है, और ऐसा संभव करने के लिए इस शख्स द्वारा एक खास मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इस ट्रॉली को अपने नियंत्रण में रखकर शख्स द्वारा हल्का सा धक्का लगाने पर उसके ऊपर और अधिक बल लगाकर उसे खींच रही है। इस मशीन का इस्तेमाल दरअसल ऐसी जगहों पर होता है जहां इन विशाल ट्रॉली को समय समय पर इधर से उधर खड़ा करते रहना होता है, और जिसके लिए हर बार ट्रक को इसके साथ नहीं लगाया जा सकता। यह मशीन अधिकतम 4500 किलोग्राम तक के वजन को उठा सकती है, और ट्रॉली के साथ हिच को लगाकर भारी से भारी ट्रॉली को खींच कर कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। अल्ट्रा हैवी लिफ्ट एम्फीबियस कनेक्टर। अमरीकी सेना द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला यह अजीबोगरीब वाहन अपने ही आप में एक अद्भुत मशीन प्रतीत होता है। इसकी संरचना जितनी जटिल प्रतीत होती है, यह उतना ही अधिक शक्तिशाली भी है। इस मशीन को अमेरिकी सेना टैंक, हथियार जैसे अनेक महत्वपूर्ण सामान को ढोने के काम में इस्तेमाल करती है। इसका आवरण टैंक से भी अधिक मजबूत होता है, जिसके चलते इसके अंदर रखा जाने वाला सामान पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। इसके टायर वाले भाग में बनी यह जटिल बनावट इसे पानी में किसी चप्पू को मारने की भांति काम कर तेज गति प्रदान करने में मदद करती है। यही नहीं, इसकी यही बनावट इसे जमीन पर भी हर प्रकार के धरातल पर चलने में इसे सक्षम बनाती है। यह रेत, दलदल, कीचड़, पथरीली जमीन, नदी नाले जैसी हर जगह पर चल सकता है। स्काईवॉल 100 ड्रोन डिफेंस सिस्टम। आज के समय में ड्रोन का इस्तेमाल न केवल आम लोगों के द्वारा बल्कि कुछ शरारती तत्वों के द्वारा भी बहुत अधिक बढ़ गया है। वे संदिग्ध लोग इसका इस्तेमाल सरकार की सुरक्षा प्रणाली में सेंध करने में भी करते हैं, तो उसके चलते इस समस्या के निवारण के लिए आज के समय में कुछ इस प्रकार के आविष्कार का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एक प्रकार के औजार की भांति प्रतीत होता है, जिसे जैसे ही किसी ड्रोन की तरफ निशाना लगाया जाता है तो इससे होने वाले वार का सही आकलन लगा लिया जाता है, जिसके बाद एक ही वार से उस ड्रोन के ऊपर इसमें से निकलने वाले जाल को फैला दिया जाता है, और वह ड्रोन जाल में लगे छोटे पैराशूट के साथ धीरे धीरे सुरक्षित नीचे उतार लिया जाता है, जिसके बाद उससे बनी वीडियो की जांच कर संदिग्ध लोगों तक पहुंचना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।